हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल, नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जिसमें हम पेजेस के बारे में देखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस पे पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और पेजेस के फंक्शंस और उनकी वर्किंग देखेंगे। तो अगर आप ये वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल कंटिन्यू वॉच करना चाहते हैं और सारा पूरा जो मेरी सीरीज़ है वो अपने पे देखना चाहते हैं, अपने सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि जब हम लॉगिन कर लेंगे वर्डप्रेस पे तो डैशबोर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद हम किस पे जाएंगे, पेजेस पे। हमें अगर हम कर्सर को मूव कराएंगे तो आप देखेंगे दो ऑप्शन आ रहे हैं हम पे, ऑल पेजेस और एड न्यू। तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी एड न्यू कर सकते हैं, और अगर हम ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं तो आफ्टर क्लिक हम देखेंगे कि एक सैम्पल पेज हम पे अवेलेबल होगा। ये एक सैम्पल पेज बना हुआ है, ये जब भी आप कोई भी वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल करेंगे या वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो एक सैम्पल पेज आपको मिलेगा। जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मैंने क्रिएट करा है, तो सैम्पल पेज को आप डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ भी ये ट्रैश का ऑप्शन आ रहा है तो इससे आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें नया पेज बनाना है तो नए पेज के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि दोनों तरफ हमारा इधर भी ऐड न्यू का ऑप्शन है और यहाँ पेजेस पे भी ऐड न्यू का ऑप्शन है। तो हम किसी भी साइड अगर क्लिक करते हैं तो हमारा ऐड न्यू का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, मींस कि एक नया पेज हमारा क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो एक ऐड न्यू पेज का ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहले क्या देगा आपको, टाइटल आपको ऐड करना। टाइटल में आप क्या करेंगे, जिस भी पेज को आप क्रिएट कर रहे हैं उसका टाइटल, मान लीजिए आप होम पेज बना रहे हैं तो आप होम उस पर लिख सकते हैं, कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। टाइटल हमने दे दिया, फिर हम अभी मैं सिंपल एक पेज क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ, इसके कंटेंट मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो इसको हम सिंपल अभी पब्लिश कर देंगे। तो ये जैसे ही पब्लिश होगा ये हमारा पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। आप अगर चाहते हैं तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसमें कोई कंटेंट नहीं डाला है इसलिए ये पेज मेरा अभी ब्लैंक दिखाई देगा। तो हम अपनी साइट पर जाते हैं, मैं वर्डप्रेस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आपका होम पेज क्रिएट हो गया। मैं एक पेज और आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं इसके कंटेंट ऐड करने बताऊँगा। नॉर्मली जैसे आप सेकंड पेज, अगर मोस्ट कॉमन पेज होता है कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस, तो हम अबाउट अस का पेज लेके चलते हैं। अबाउट अस क्रिएट कर लिया, इसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो अबाउट अस का भी हमारा एक पेज क्रिएट हो जाएगा, ब्लैंक पेज, ठीक है। ये आपका ब्लैंक पेज एक अबाउट अस का क्रिएट हो गया, इसमें आप जो भी कंटेंट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करने के बाद उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। इसलिए वर्डप्रेस की पूरी वेबसाइट डायनामिक होती है। डायनामिक का सेंस ये है कि आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं और कुछ भी कंटेंट डिलीट कर सकते हैं एनी टाइम, वो आपका ऑनलाइन दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको एडिट करना चाहते हैं, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप ट्रैश में जाके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमें क्या काम करना है, सेकंड काम हमें ये करना है कि पेजेस को हमें मेन्यू में ऐड करना है। मेन्यू में मीन्स कि जैसे आपका मेन्यू बार दिखाई देता है, जैसे आप देखते होंगे किसी भी वेबसाइट पर तो आपका मेन्यू बार दिखाई देता है। मेन्यू बार में जैसे ये देखिए, ये एक वेबसाइट है, ये आपका मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, तो ये मेन्यू के आपके कंटेंट है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट मेन्यू में दिखाई दें, जो भी आप पेजेस क्रिएट कर रहे हैं वो आपके मेन्यू बार में दिखाई दें। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में मेन्यू में आपको क्लिक करना है। मेन्यू में आपने क्लिक कर दिया, अगर आप मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं कोई नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नाम आप उसका दे सकते हैं,
ठीक है, मेन्यू वन, मेन्यू टू, रीनेम जो भी आप देना चाहते हैं वो इस पर दे सकते हैं। अब आप देखिए जो आपने दो पेज बनाए थे वो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल आपको ऐड करना है वो मेन्यू बार में। तो मान लीजिए पहले हमें होम पेज ऐड करना है, तो होम कर दिया हमने, ऐड टू मेन्यू कर दिया, तो ये हमारा होम का कंटेंट इधर आ गया। अबाउट अस ऐड करना है, अबाउट अस को ऐड टू मेन्यू कर दिया, तो ये आपके दोनों पेज हो गए। दूसरा आपका इसमें बेनिफिट क्या है कि आप इसको पोजीशन भी सेट कर सकते हैं कि आप फर्स्ट पे प्लेस पे होम को दिखाना चाहते हैं, सेकंड प्लेस पे आप अबाउट अस दिखाना चाहते हैं, थर्ड प्लेस पे अगर आपने कॉन्टैक्ट अस बनाया है तो आप कॉन्टैक्ट अस दिखा सकते हैं। सैम्पल पेज को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं अपने मेन्यू बार में से। ठीक है, ये रिमूव का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अगर इसे रिमूव कर देंगे तो ये आपके मेन्यू में से चला जाएगा। तो इसका नाम आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, मूव अप अंडर होम, अगर वो मैं आगे बताऊँगा कि कैसे आप उसको अंडर में भी कोई पेज लगा सकते हैं, मीन्स कि सब पेज बना सकते हैं, पेज का सब पेज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको आप सेव कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके मेन्यू में दो पेजेस सेव हो जाएंगे, दो पेजेस आपके मेन्यू में दिखाई देने लग जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे ये हमारा लुक एंड फील इसका आएगा। तो होम पेज को अगर हमें मेन पेज बनाना है, अपना फ्रंट पेज बनाना है, तो जो मैंने पहले थीम में बताया था कस्टमाइज़र में, तो हमने जो उसमें थीम में फ्रंट पेज मेन पेज बना रखा था वो हमने सैम्पल पेज बना रखा है, तो वहाँ हमें चेंज करना होगा। तो क्या करना होगा, कस्टमाइज़ पे जाएंगे हम, कस्टमाइज़ पे फ्रंट पेज कंटेंट वाला आपको मेन्यू दिखाई देगा, तो फ्रंट पेज कंटेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे फ्रंट पेज पे आप जाएंगे तो जितने भी आपके पेजेस बने हुए हैं वो सब दिखाई देंगे यहाँ पे। तो जैसे आप होम पेज को यूज़ करना चाहते हैं एज अ फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, तो आप होम पे क्लिक कर देंगे। होम पे क्लिक करके पोस्ट वाला ऑप्शन अभी आप छोड़ देंगे, क्योंकि तो पोस्ट का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट, उसमें पोस्ट के बारे में आपको सब बताऊँगा। तो यहाँ पर आपका स्टैटिक पेज रहेगा ऊपर, ठीक है, इसे आप स्टैटिक कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद मैं ऑलरेडी इसमें चेंजेस कर चुका हूँ, होम पेज को बना दिया हूँ, ठीक है। पब्लिश करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट पे रन करा के देखिएगा, तो रन पे आप देखेंगे कि आपके दो मेन्यू दिखाई दे रहे हैं, होम जो हमने एक पेज बनाया था, अबाउट अस जो हमने सेकेंड पेज बनाया था, ठीक है। अब ये पेज हमारे इनेबल है, इन पेजेस को हम देख सकते हैं। देखिए ये आपके पेजेस हैं, ये सब आपके जो थीम कस्टमाइज़र मैंने बताई थी उसके फीचर्स हैं सर, ठीक है। और जैसे हमने अभी अबाउट अस में कोई कंटेंट नहीं डाला था, तो अबाउट अस पे हम क्लिक करेंगे तो अभी ये अबाउट अस ब्लैंक आ रहा है मेरा, ठीक है। ब्लैंक पेज हमारा रीडायरेक्ट हो रहा है अबाउट अस पे, तो ये हमारा अभी ब्लैंक दिखाई दे रहा है, इसमें कोई कंटेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अबाउट अस या पेज के अंदर कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट को ऐड करने के लिए हमें दोबारा क्या करना है, इसको मेन्यू वाले ऑप्शन को क्लोज कर देना है, अपीयरेंस को, फिर हमें पेजेस पे जाना है, ऑल पेजेस पे हम क्लिक करेंगे, तो जिस भी पेज में हम कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पेज पे जाके हमें फिर से एडिट का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। तो एडिट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं, तो होम पेज अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो होम पेज के एडिट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम अपने होम पेज के एडिट के ऑप्शन पे आ चुके हैं, जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा कुछ पेज दिखाई देगा, तो ये हमारे ब्लॉग्स ऑटोमेटिकली बने हुए दिखाई देंगे, जैसे ये ब्लॉग दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप कोई भी कंटेंट कॉपी या पेस्ट करके डाल सकते हैं, या टाइप करके डालना चाहते हैं तो टाइप करके डाल सकते हैं। तो अगर आप कहीं वर्ड में या कुछ आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए एक वेबसाइट है, इसका मैं कंटेंट कॉपी करके इस पर डालना चाहता हूँ, ठीक है, आपका कुछ भी ऑप्शन है या आपने कुछ रफ में लिख रखा है या अपना एक रफ आइडिया वेबसाइट का बना रखा है, आप कंट्रोल सी और कंट्रोल डी कर देंगे तो ये आपका एज इट इज उसी फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर आप कोई चीज़ बोल्ड या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मीन्स की जैसे मैंने एक आगरा सिटी की इन्फॉर्मेशन डाली है, तो अगर इसमें इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ तो इसका भी ऑप्शन आपके अवेलेबल है, आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, इसे आप बोल्ड कर देंगे तो ये आपका टेक्स्ट बोल्ड में दिखाई देने लगेगा। इस तरीके से आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। प्लस अगर आप कोई इमेज इसके अंदर इंसर्ट कराना चाहते हैं
तो आप सीधा इस पर एंटर करेंगे, जितना टेक्स्ट लिख देंगे एंटर करने के बाद एक नया ब्लॉक आपका बन जाएगा, ये प्लस का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे ऐड ब्लॉक। तो आप अपने अकॉर्डिंग, एक मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन होता है जिसमें आप कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इमेज कोई अगर आप डालना चाहते हैं तो इमेज के लिए इमेज पे क्लिक कर देंगे। मान लीजिए मैं इसमें कोई इमेज यूज़ करना चाहता हूँ तो इमेज वो आपसे अपलोड का ऑप्शन मांगेगा। मीडिया लाइब्रेरी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मीडिया लाइब्रेरी के थ्रू भी आप इमेज इंसर्ट करा सकते हैं, मतलब आपके अगर आपने अपलोड कर रखी है अपनी वर्डप्रेस पे तो आप उसे डायरेक्टली अपलोड करा सकते हैं। तो मीडिया लाइब्रेरी पे मैं चला जाऊंगा तो जो भी मेरी इमेजेस इसके अंदर पड़ी हुई है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज डाल रखी है ताजमहल की, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। टाइटल में जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इसे मैंने यहाँ ताजमहल नाम दे दिया, इसको आप सेलेक्ट करें, ये आपकी इमेज अवेलेबल हो जाएगी। इसमें पेजेस में अब आपको एक ऑप्शन आता है, वो डिपेंड करता है आप पे कौन सी वर्डप्रेस है, कौन सा वर्जन है। तो अगर आप राउंडेड शेप में अगर इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो ये आपकी राउंडेड शेप में भी डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ आप यूज़ करना चाहते हैं तो पैराग्राफ पे आप क्लिक कर देंगे, और भी कंटेंट आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए ये कुछ मैं दो पैराग्राफ कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कोई भी एक इंफॉर्मेशन के लिए साइट खोल ली है आगरा सिटी की, तो आप इसे पेस्ट कर देंगे तो ये आपका एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर अपडेट कर देना है। ये आपका होम पेज का डिस्क्रिप्शन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आप कंटेंट इसमें डालना चाहते हैं। तो अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो आपका पेज अपडेट हो गया। अब हम वेबसाइट पे जाके चेक कर लेंगे कि हमारा पेज कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी वेबसाइट थी, क्योंकि हमने स्लाइडर अपनी थीम ऑन कर रखा था इसलिए ये स्लाइडर वाली इमेजेस आप जो भी सेट करेंगे वो आपकी दिखाई देती रहेंगी। अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि बस होम पेज का ही कंटेंट दिखाई दे तो वो दिखाई देगा, बाकी ये कंटेंट आपका फीचर्ड इमेज के बाद नीचे सारे अवेलेबल है। देखिए आगरा सिटी इन्फॉर्मेशन, जो आपने इमेज डाली थी वो आपकी इमेज भी दिखाई दे रही है। उसके बाद आपका सब कुछ, जो भी आपने दो पैराग्राफ्स डाले थे वो दो पैराग्राफ्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप वर्डप्रेस में कोई भी कितने भी पेज क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे, अगर आप ये फ्रंट पेज वाली जो हमने स्लाइडर डाला था इसे ऑफ कर देते हैं तो हमारा होम पेज कैसे दिखाई देगा। तो वो मैं, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, थीम्स वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस होम पेज पे आपका स्लाइडर भी आ रहा है और ये फीचर्ड ईमेल पेजेस वाला ऑप्शन भी आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये चीज़ आप डिसेबल कर दें, केवल ये जो आपने फ्रंट होम पेज का कंटेंट बनाया है वो ही आपका दिखाई दे। तो उसके लिए हमें क्या जाना है, एडमिन वाले पैनल पर जाके हमें यहाँ पे अपीयरेंस में थीम के कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे जाना है। कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे कि हम जिस थीम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने कस्टमाइज़र वाली थीम बताई थी उस पर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको फ्रंट पेज वाले कंटेंट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगर आप स्लाइडर को डिसेबल करना चाहते हैं। तो ये फ्रंट पेज कंटेंट है, इस पर आप क्लिक करिएगा। फ्रंट पेज कंटेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, साइड में आपकी वेबसाइट भी आपको दिखाई दे जाएगी जो आपकी रनिंग मोड में चल रही है प्रेजेंटली। तो यहाँ पे आपको क्या जाना है, जैसे मैंने पहले स्लाइडर बनाना भी बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो यहाँ पे आपको स्लाइडर की जगह नो स्लाइडर कर देंगे। तो नो स्लाइडर कर देंगे तो आपकी ये स्लाइड्स बंद हो जाएंगी। अब आप चाहते हैं ये फीचर्ड पेजेस वाला ऑप्शन भी हमारा चला जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फीचर्ड पेजेस वाला ऑप्शन आपका चला जाए तो इसको आपको डिसेबल कर देना है। फीचर्ड पेज ऑप्शन को भी आप डिसेबल कर देंगे। डिसेबल कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये दिखा देगा इस तरीके से। इसे अगर आप पब्लिश कर देंगे तो पब्लिश करने के बाद ये चेंजेस आपके लाइव हो जाएंगे। तो मैं पब्लिश करने के बाद आपको एक बार वेबसाइट विजिट करके दिखा देता हूँ किस तरीके से फिर आपकी वेबसाइट दिखाई देगी।
इस वेबसाइट पे मैं आ गया। इसे आप रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश के बाद देखेंगे कि आपके चेंजेस जो आपने करे हैं वो आपके एक्चुअल में आ गए या नहीं है। तो देखिए आपका होम पेज पे आपका स्लाइडर भी चला गया और वो फीचर्ड वाला ऑप्शन भी चला गया। आप स्लाइडर, आप डिपेंड करता है आप पे कि आप स्लाइडर को यूज़ करना चाहते हैं या स्लाइडर को हटाना चाहते हैं। फीचर पेज वाले कंटेंट का मैं भी अभी आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे आप जो फीचर्ड वाला ऑप्शन आ रहा था, फीचर्ड इमेज आ रही थी, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप फीचर्ड वाला अगर इमेज वो कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं फीचर्ड इमेज वाला, तो फिर से आपको अपीयरेंस और कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कस्टमाइज पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वही फ्रंट पेज कंटेंट ओपन हो जाएगा। फ्रंट पेज कंटेंट पे ही आपको क्लिक करना है। ये फ्रंट पेज कंटेंट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अगर स्लाइडर नहीं यूज़ करना है और केवल फीचर्ड वाला ऑप्शन यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, फीचर्ड पेज ऑप्शन आ रहा है इसे अगर हम इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर देंगे तो ये हमारा फ्रंट होम पेज पे हमारा दिखाई देगा। इनेबल कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि होम फीचर्ड पेज वन, ये फर्स्ट वाले कंटेंट में हम कौन सी पेज को दिखाना चाहते हैं, सेकंड वाले पे कौन से पेज को, थर्ड वाले पे कौन से पेज को। तो हम तीन पेजेस की इमेजेस फीचर्ड करके दिखा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जिस पेज को आप दिखाना चाहते हैं पहले वो पेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी आपके पेजेस बने हुए हैं वो यहाँ दिखाई देंगे। मीन्स अगर मैं होम पेज दिखाना चाहता हूँ तो मैंने होम पेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें मैंने फीचर्ड वाले ऑप्शन में एक इमेज डाली हुई है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे डालनी है। यहाँ पे मैंने होम पेज कर लिया। दूसरा कोई पेज ऐसा क्रिएट नहीं है। दूसरा आप पेज क्रिएट करेंगे उसकी अगर कोई और इमेज दिखाना चाहते हैं तो वो आपकी दिख जाएगी। यहाँ पर आपका पेज का नाम आ जाएगा, ऐसे ही थर्ड आ जाएगा। बाकी इसमें अगर आप कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मीन्स की मैं इसमें लिखाना चाहता हूँ अबाउट ताज सिटी आगरा, तो ये हमारा फीचर्ड इमेज का कैप्शन ओपन होने को लगेगा। ऐसे ही टेक्स्ट टू आप यूज़ कर सकते हैं सेकंड फीचर्ड इमेज के लिए, थर्ड फीचर्ड इमेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। तो ये फीचर्ड इमेज की फ़ोटो कैसे आई वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पब्लिश कर दिया, फिर हम कहाँ चले गए, उस पेज पे चले गए जिस पेज पे हम वर्क कर रहे थे। तो इसे क्लोज कर देते हैं। आप एक साथ कई पेजेस भी, मतलब कई यूआरएल एक साथ खोल सकते हैं वर्डप्रेस में। तो पेजेस में चले गए, ऑल पेजेस पे क्लिक करा, ऑलरेडी ओपन है ऑल पेजेस। ऑल पेजेस में हम होम पेज पे चले गए एडिट के ऑप्शन में। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा होम पेज का एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये तो आपका कंटेंट पड़ा हुआ था, लेकिन वो फीचर्ड वाली इमेज कैसे आ रही थी उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका ब्लॉक्स वाला ओपन है तो ब्लॉक्स वाले में नो ब्लॉक सेलेक्टेड दिखाएगा। पेजेस वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पेज का ऑप्शन आएगा। पेज के ऑप्शन पे आपको क्या करना है कि फीचर्ड इमेज का एक ऑप्शन आएगा, इसको अगर आप बंद कर देंगे तो ये फीचर्ड इमेज लिखा होगा, इसे ओपन करेंगे। ओपन करके यहाँ से आपका अगर कोई इमेज, मान लीजिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, तो ये आएगा सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे ये आपको गैलरी में ले जाएगा, अगर आपके अपलोडेड हैं ऑलरेडी तो मीडिया में, अदरवाइज आप कोई नई फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड फाइल सेलेक्ट फाइल अपने सिस्टम से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है तो मैंने मीडिया फाइल में से ही इमेज सेलेक्ट कर ली और इसको सेट फीचर्ड इमेज कर दिया। उसके बाद ये आपकी फीचर्ड इमेज मेरी हो जाएगी, इसको आप अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में वो पर्टिकुलर फीचर्ड इमेज आपको दिखाई देने लगी। इसे आप रिफ्रेश कर दीजिएगा, ये देखिए ये आपकी फीचर्ड इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है।
और जो हमने उसके कैप्शन में वो चीज़ लिखी थी, वेलकम अबाउट ताज सिटी आगरा, क्लिक, आपका बटन का भी ऑप्शन दिया गया है, उसमें बटन के क्लिक पे आप अगर किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपका वहाँ पे उसका URL कॉपी कर देंगे। तो ये हमारी, इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। होम पेज अगर स्लाइडर यूज़ करके बनाना चाहते हैं, स्लाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो फीचर्ड इमेज यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे कि आपका जो भी होम पेज आपने बनाया है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा। सो ये आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसे मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, और कस्टमाइजर थीम में आप कैसे फीचर्ड इमेज और स्लाइडर के साथ होम पेज बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोस्ट के बारे में बताऊंगा। ये पेजेस था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप पोस्ट पे वर्क कर सकते हैं। पोस्ट मेनली यूज़ होती है जब आप ब्लॉग्स की वेबसाइट बना रहे हैं, तो पोस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वर्डप्रेस में। जैसे पेजेस का ऑप्शन था वैसे ही पोस्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट के बारे में देखेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को एंड तक देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। Thanks for watching and keep subscribing and watching my channel.